नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है। महापर्व पर्युषण का आठवां दिवस महापर्व संवत्सरी, ये विश्व मैत्री एवं बंधुत्व का प्रतीक है। महापर्व संवत्सरी ये 7 दिन के ऊपर इस कलश है। आज आठवां दिन महापर्व पर्युषण, 8 दिन में जो अंतकृत, जिन्होंने उसी जन्म के अंदर, चाहे वे अति मुक्त कुमार बाल थे, अर्जुन माली थे, राजा की रानियां थी, राजकुमार थे, हर प्रकार की सुविधा से युक्त थे और वचन सुने भगवान अष्टनेमी के या भगवान महावीर के, और उसी जीवन में अपने को सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर लिया कि आज हम तप कर रहे हैं। तप में कोई कष्ट भी आ जाए घबराना नहीं चाहिए। प्यास लगी तो क्या हो गया, एक दिन पानी नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सहन करो, थोड़ा थोड़ा तप करो, सहन करो, और महीने में 15 दिन में उपवास करते रहो। 12 प्रकार का तप जो हमारे नर्मदा का मूल कारण बताया है। तो मैं कह रहा था कि कैसे तप किया, शरीर को भस्मीभूत कर दिया, भरत बेला तेला चौला 15 16 16 15 14 13, फिर अम्बिल के साथ, और कुछ भी नहीं खाना, फिर भी उन्होंने किया। मतलब उनको भीतर में आत्मा में रस आ गया था, शरीर का मोह टूट गया था। तो हमें शिक्षा मिलती है, आज मैं हूँ चाहे आप हैं, इतने वर्ष बीत गए हमारे, कितना भोजन खाया, इस जन्म में कितना खाया और पहले जन्म में कितना खाया, क्या वो भोजन साथ जाता है। सुबह चाहते हैं, शाम को और खा लेते हैं, शाम को अगले दिन फिर निहार हो जाता है, फिर खा लेते हैं। तो क्या सार क्या जीवन का, क्या खाना पीना सोना धन कमाना, ये जीवन है, ये तो कर लोगे, आपका पुण्य है, आपको मिल जाएगा, परंतु आगे क्या होगा, आगे का पुण्य पाथ्य कैसे इकट्ठा करोगे। तो ये शिक्षा मिलती है आप सभी, महापर्व संवत्सर के दिन बहुत कुछ सीखने जैसा है। यथाशक्ति तप कीजिए जितना हो सके, नवकाशी सब कर सकते हैं, कई तो 10 बजे भोजन लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। नवकारसी के सूर्य उदय के 48 मिनट तक नवकारसी आ जाती है, 2 नवकारसी कर लो, 3 कर लो, पोरसी कर लो, 9:30 बजे पोरसी आ जाती है। छोटे छोटे तप करो जीवन में, और तप कैसे करना है, भेद विज्ञान के द्वारा तप करोगे तो आप महान कर्मों की नजरा कर सकते हो। और तप करके किसी को कहने की जरूरत नहीं कि मैंने बेला किया, 28 किए, 14 किए, 15 किए, कुछ भी नहीं कहना, बस केवल अपनी आत्मा की साक्षी के लिए जो कारमन शरीर भारी हो रहा है वो हल्का हो जाए, इसलिए तप करना है। अंतिम समय हमें नहीं पता कब आएगा, परंतु ये भाव रखे। एक श्रावक का 3 मनोरथ है श्रावक के, पहला कि मैं आरंभ श्रम्भ को कम करूं। हम बढ़ाई जाते हैं, एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री, दूसरी के बाद तीसरी फैक्ट्री, क्या करोगे, बेटे के काम आएगी, बेटे के काम आएगी। अरे तुम अपने बारे सोचो, क्यों आगे बढ़ाई जा रहे हो, कितना आरंभ श्रम किए जा रहे हो, और जब तक वो तुम्हारे नाम रहेगी उसको छोड़ा नहीं, त्याग गया नहीं, तुम अगले जन्म में चले जाओ, तुम्हारे कर्मों का बंधन होता रहेगा। इसलिए अपने व्यापार का थोड़ा संक्षिप्त करो, जितना ज़रूरी है उतना करो, और ये भाव रखो कि मेरा आरंभ श्रम्भ कितना कम हो जाए। दूसरा, वो दिन कब आए कि मैं संयम ग्रहण कर सकूं, भाव रखो। तीसरा, अंतिम संलेखना आ जाए, ये शरीर का मोह तोड़ दूं। 3 भाव साधु के भी हैं, दिए हुए हैं आपको भी, ये मनोरथ तीसरा अपने जीवन में अवश्य भावो। रात को सोते समय उठते समय प्रभु अंतिम मुझे संलेखना आ जाए, मैं किसी के हाथों दुखी हो करके अस्पताल में जा करके हाय हाय करके ना जाऊं, बस शरीर को समाधि पूर्वक छोड़ दूं। ये भाव रखोगे तो जो भाव आज रखोगे आपको भाव आएगा, विचार करना। 3 मनोरथ श्रावक के, और आज आप सदग्रस्त हैं,
आप धन कमाते हैं, धन में बहुत कुछ करना पड़ता है, आप जानते हैं, उसमें अरम श्रम लगता है, कुछ लगता है, तो धन जो आप कमाया है उस धन का समीभाग कीजिए। इसलिए भगवान दान जरूर करना, आज के दिन या कभी भी आपको अपनी आय का 2% 3% अलग निकाल दो, और जब भी कोई आए दीन दुखी उस क्या करें, लोग आते हमारे पास ही आते रहते हैं और किसी के पास जाते नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना, चाहे उसको 500 रुपए दे दो, कभी मत कहना कि मेरे पास ही आते रहते हैं, मेरे पास ही भेजते रहते हैं। भाई अवसर मिला है तुम्हें, पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, क्या काम आएंगे, बेटे पोते खा जाएंगे, कोई आया है तो मिनिमम 500 ही दे दो, 200 ही दे दो, कुछ दे दो, तुम्हारे द्वार पर आया है, कभी तुम्हारे द्वार पर भिक्षा के लिए आए तो उसको खाली मत भेजना। कोई दीन दुखी हो उनको ज़रूर देना, कोई रोगी हो उसको ज़रूर देना, ज़रूर नहीं कि तुम्हारे कोई जान पहचान का कोई हो, तो सद्गृहस्थ का ये कर्तव्य है दान, वो आपकी कमाई पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो आपको दोष लगते। शील का पालन ज़रूरी है, कब तक संसार में बैठे रहोगे, शील का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। 8 दिनों तक आपने शील का पालन किया, आगे भी यथा अवसर शील का पालन करते रहिए। विजय कुमारी ने 15-15 दिन का, एक ने चंद्र पक्ष का लिया, एक ने कृष्ण पक्ष का लिया, जब दोनों का विवाह हुआ और अपनी बात की तो कहे मैंने तो शुक्ल पक्ष का लिया, मैंने कृष्ण पक्ष का लिया है, और दोनों ने ऐसे रहे, एक ही कमरे में रहते हैं परंतु शील का पालन करते हैं, और जब पता लगता है ऐसा तप जिसकी कोई महिमा नहीं गाई जा सकती, इस प्रकार आप शील का पालन करें, तप करें। तप के 12 प्रकार के भेद हैं, निर्जरा के अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिश्लीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल। ये पहला तप है जो आप अनशन करते हैं, अन्न को छोड़ दिया, 3 आहार छोड़ दिए, 4 आहार छोड़ दिए, जमा समय समय सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितना आपको अनशन भी करते रहो, और अनशन करने के बाद ऐसा समझो कि ये आवश्यक था मेरे लिए अनशन करना। अनोदरी सब कर सकते हैं, आपको 4 चपाती की भूख है 3.5 खा लो, 3 खा लो, ऐसे अनोदरी तप आप सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। भिक्षाचारी रस वृत्ति संक्षेप, हम भिक्षा लाते हैं, आप अपनी वृत्तियों का संक्षेप कीजिए। रस प्रत्याग, जो आप रस लेते हो, दूध, मलाई, मक्खन, घी, जो लगे 15 दिन में अंदर थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो। काया क्लेश, काया का क्लेश करो, मतलब काया को कष्ट दो, अतापना दो, तप करोगे तो काया को कष्ट होता है। अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिश्लीनता, इंद्रियों का गोपन करना, 5 इंद्रियों का, 6 मन का, प्रायश्चित, प्रायश्चित की बात आ जाएगी हम करेंगे, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, वो स्वाध्याय शास्त्र पढ़ना नहीं, स्वयं का अध्ययन करना, और ध्यान और कौशल, ये 12 प्रकार जो लास्ट के 2 तप ध्यान और कौशल है, इसमें अनंत अनंत कर्मों की निद्रा होती है। ध्यान किया, 4 प्रकार का ध्यान, आर्त, रोदर, धर्म और शुक्ल। हम आर्त रोदर बचपन से ध्याते रहते हैं, बच्चे का जन्म होता है वो रोता है, चिल्लाता है, मांगता है, करता है, बड़ा हो जाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, आर्त रोदर छुटता ही नहीं, बिना की हो जाता है। आर्त रोदर को छुड़कर धर्म ध्यान किया, प्रस्तुति करना, जो आप कभी सी पढ़ते हैं, लोग उसका पाठ करते हैं, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से आपको पुण्य मिलता है। आगे शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया जो अभी 7 दिनों में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से बहुत बड़ा अवसर मिला है, शुक्ल ध्यान के प्रयोग चल रहे हैं और अनंत उपकार है शासन देवों का, परमात्मा का। वीतराक्षादिका निशा जी ने अपने शरीर का अंग अंग गला करके हम सबको साधना दे रहे हैं। तो ये शुक्ल ध्यान क्या है आप थोड़ा समझो। शुक्ल ध्यान है जीव और अजीव, देह और आत्मा का भेद करते हुए
दो तत्व हैं, कोई भी देशन आप सुन लीजिए, दो तत्व जुदा जुदा है। हमने इसको एक मान लिया, जन्म हुआ माँ ने कोई नाम रख दिया, और नाम बड़ा हुआ, पढ़ाई की, व्यापार किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोठी बंगला बन गई, अंतिम समय वही नाम चालू रहता है, ये सारा मिथ्या है। मैंने कई बार कहा माँ को पिता को समझाना चाहिए, देख बच्चे हम तेरे शरीर के माता पिता हैं, हम तुम्हें जन्म देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा जो है वह जन्मा है, उसका जन्म नहीं उसका मरण नहीं। तो जन्म कैसे माता पिता ने दे दिया? जिस आत्मा का अजन्मा है, अनादि काल से ये जीव आत्मा भ्रमण कर रही है, किस कारण कर रही है? जीव के अपने विभाव के कारण, कि जीव को जब पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, वो देह की आसक्ति में आकर के उसमें लगा रहता है, और पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, धर्म भी करता है, तप भी करता है, परंतु वो भेद नहीं कर पाता। जीव और अजीव का भेद करते हुए दो तत्व जुदा जुदा है, ये कठिन तप है, ये पंचम काल में पता ही नहीं किसी को। ये दसवें कालिक सूत्र के चार अध्ययन में लास्ट में आता है, जो जीवे भी जानी अजीवे भी जानी, जीव अजीव जानती सेहु नहीं संयमंग, जो जीव को जानता है अजीव को जानता है, जीव और अजीव को जानता ही वो संयम ग्रहण कर सकता है, जो जीव को नहीं जानता अजीव को नहीं जानता वो संयम ग्रहण कैसे करेगा? कैसे चलना? भगवान से पूछा, विवेक से करो, उठो बैठो खाओ पियो चलो, कहंग चरे कहंग चिट्ठी कहंग सहे कहंग भुजन तो बासन तो पाप का मंगना बंदाई, कैसे चरे कैसे बैठे कैसे खाएं कैसे से? भगवान विवेक, विवेक क्या है? जड़ चेतन का भेद, यहाँ से विवेक शुरू होता है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शिव मुनि नहीं हो, नाम पद लिंग इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार धारणा ये देह की है। पांचों इंद्रियां से जब हम देखते हैं कि क्रिया करते हैं, देह के अनुसार चलते हैं, अच्छा भोजन मिला दब दबा के खा लेते हैं, मन जो कहता वो कर लेते हैं, मन कहता चलो घूमने हम घूमने चले जाते हैं, मन कहता सैर करो हम सैर करने चले जाते हैं, मन कहता चलो अमेरिका क्या रखा है यहाँ घूमाते हैं, ये सारा मन घुमाता है, मन घुमाता है। और बुद्धि कहती चलो पैसा बहुत है क्या करोगे, अमेरिका भी चले जाते हैं, मैं मना नहीं करता किसी को, जानो तुम्हारी मर्जी, पर मन बुद्धि इंद्रियों के पीछे लग करके हमने जन्मों जन्म गवाए। तो भेद क्या है, विवेक क्या है? जीव और अजीव का भेद करते हुए, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस भेद आपको समझ में आएगा जब आप ध्यान करोगे। ये आकार शरीर आकार है, जितना पुद्गल है अजीव है वो सब आकार में है, जो आकार है वो निश्चित छूटेगा जाएगा, वो तुम्हारे पास रहेगा नहीं। देह में आत्मा जीव है, जीव निकल जाए तो देह शमशान की राख, दो घंटे भी तुम घर में नहीं रखते, वही इंद्रियां, वही आंखें, वही कान मुरझा जाती हैं, मुर्दे की तरह हो जाती है, नागफनी की तरह बन जाती है, राख ही राख है, इस राख के ढेर में क्या रखा है? ये उंगलियां जो नाचती थी नचाती थी, अब उंगलियां ऐसे पड़ी हैं जैसे नागफनी की रेखा हो, राख ही राख, इस राख के ढेर में क्या रखा है? जब जीव निकल गया तो शरीर तो राख है, ये उंगलियाँ नचाती थी लोगों को अपने इशारों की तरह, पर अब उंगलियाँ ऐसे फड़ी हैं जैसे नाग फनी पड़ी हो, और आंखें ऐसी है जैसे कोई पानी निकल रहा हो, राख ही राख इस राख के ढेर में रखा गया है। ये शरीर तो शमशान की राख बनेगा, और उसकी कीमत है जब तक जीव है, और जीव में साधना, साधना जीव की करनी है, भेद विज्ञान करते हुए, शरीर अलग है आत्मा अलग है, बैठो शुरुआत करो। प्रभु फरमाते हैं एकदम नहीं होगा, क्योंकि जन्मों जन्मों के मिथ्यात् अज्ञान मोह के संस्कार हैं, आप नहीं छोड़ सकते, पर होगा, शुरू करो। कितने से शुरू करो? भगवान कहते हैं आधा मिनट से शुरू करो, कुछ सांसों से करो। कैसे करो? भेद कर दो, ये शरीर अलग है, मन वचन काया बुद्धि और आत्मा सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक, जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो,
और स्वांसों को देखते रहो। कोई विचार आए, आएंगे विचार दृष्टा भाव से, विचारों को अलग कर दो। कितने स्वांसों स्वांस में आधा मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, दो मिनट ठहरो। वो जो एक मिनट, आधा मिनट, दो मिनट, वो आपका शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान बढ़ते बढ़ते आपकी अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। अब आप जीवन में लक्ष्य बनाइए। ध्यान शुष्क ध्यान नहीं करता। भगवान कहते हैं आंखें बंद कर ली, मन कहीं घूम रहा है, वो ध्यान नहीं है, वो तो क्रिया हो गई है। ध्यान है जो ध्यान तुमने शुक्ल ध्यान में समय बताया, जीव अपने स्वभाव में ठहर गया। वो कितना ठहर गया, वो तुम्हारा शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान में अनंत कर्मों की निजरा होती। कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमो संति जसुदम में श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण जो भव्य प्राणी करे, अजर अमर पद होगा, सदा ही मंगल होगा। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarechandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. Hum Surat mein acche ghar banate the aur hum acche ghar banate rahenge. From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. Guru, humko aisi kripa drashti de.